हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने पिछले वीडियो में देखा था कि बेसिक कोर्स में क्या सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो आज बेसिक कोर्स का क्लास वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब ने फिल्म के अंदर चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री बहुत सारे पार्ट देखे हैं, तो आज हम लोग बेसिक कोर्स का चैप्टर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वन से लेकर के चैप्टर सेवन तक हम लोग बेसिक कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे वीडियो को ज़रूर देखें और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें। हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, आज हम सब प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं कि होम स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे और लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड कैसे चेंज करने वाले हैं। जैसे कि मोबाइल में हम लोग होम स्क्रीन का बैकग्राउंड अलग और लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड अलग चेंज करते हैं, सेम उसी प्रकार से आज हम लोग कंप्यूटर के अंदर सीखने जा रहे हैं कि डेस्कटॉप यानी होम स्क्रीन का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और जब सिस्टम लॉक हो तो लॉक स्क्रीन का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरूर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए इस डेस्कटॉप के ऊपर खाली एरिया यानी कि ब्लैंक एरिया में कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, माउस का राइट क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इस ऑप्शन को अभी ध्यान नहीं देना है, हम लोग धीरे धीरे सारी ऑप्शन क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में जो लिखा हुआ है पर्सनलाइज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक हमेशा लेफ्ट क्लिक होता है, क्योंकि क्लिक जब भी कोई बोलता है ना तो आपको अपने मन से लेफ्ट क्लिक करना होता है, और राइट क्लिक पर्सनली लोग बोलते हैं कि राइट क्लिक करिए तो आपको ऑप्शन मिलेगा, और क्लिक बोला नहीं जाता, क्लिक अपने मन से लेफ्ट क्लिक करना होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि माउस के अंदर तीन बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, एक होते हैं बीच में स्क्रॉल बटन। लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट बटन, राइट हैंड यानी राइट बटन, एक बीच में जो बहुत सारे पेज में ऊपर या नीचे आने जाने के लिए हम लोग को स्क्रॉल बटन दिया जाता है, इसको हम लोग स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, है ना, या सिंपली इसको व्हील बटन बोलते हैं या फिर स्क्रॉल बटन बोलते हैं, है ना। तो उसमें उससे हम लोग पेज में ऊपर और नीचे आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने बैकग्राउंड का ऑप्शन, बैकग्राउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा कि बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर लिया हुआ है, और इस एरो पर अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आप इस एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा सॉलिड कलर और स्लाइड शो। पिक्चर से आप कोई सिंगल पिक्चर लगा सकते हैं, सॉलिड कलर से कोई सिंगल कलर को लगा सकते हैं, यानी कि ब्लू, रेड, येलो, पिंक, जो भी आपको अच्छा लगे वो पिक्चर, वो कलर लगा सकते हैं। स्लाइड शो से वो पिक्चर लगा सकते हैं जो पिक्चर अपने आप 1 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा में या फिर प्रत्येक दिन अपने आप चेंज होता रहे, वो पिक्चर को आप सेट कर सकते हैं। और टाइम को सेट करने के बाद पिक्चर आप अपने आप मिनट के अनुसार, जो आप टाइम सेट किए होंगे उसके अनुसार डेस्कटॉप बैकग्राउंड में या फिर लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड में बदलता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी हम लोग करके देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग सीख रहे हैं पिक्चर, कि सिंगल कोई एक पिक्चर को बैकग्राउंड में सेट कैसे करते हैं। तो पिक्चर पर क्लिक करने के बाद इससे पहले जितने भी पिक्चर बैकग्राउंड में सेट कर लिए होंगे वो सभी पिक्चर आपको यहाँ पर दिखा देंगे। जो पिक्चर आपको बैकग्राउंड लगाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, उस पर क्लिक करते ही आपके बैकग्राउंड में पिक्चर सेट हो जाएंगे। ये दोस्तों, इसको हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से हम लोग इस विंडो को क्लोज करते हैं। क्लोज कर जहाँ पर क्लोज ऑप्शन दिया हुआ ना, उस पट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपको शुरू में दिख रहा है यहाँ पर सेटिंग, यहाँ पर आपको सेटिंग दिख रहा है, यानी कि आप सेटिंग को ओपन कर रखे हैं। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर तीन बटन दिख रहे हैं, एक है मिनिमाइज, एक है मिनिमाइज, एक है मैक्सिमाइज, एक है यहाँ पर क्लोज। क्लोज से आपका विंडो प्रॉपर बंद हो जाएगा। और इस रिस्टोर डॉन या फिर मैक्सिमाइज, इसका दो नाम होता है, एक रिस्टोर डॉन, एक होता है मैक्सिमाइज। जी दोस्तों, रिस्टोर डॉन यानी कि विंडो को छोटा कर सकते हैं, फिर विंडो को छोटा करने के बाद फिर दोबारा इस विंडो को बड़ा करना हो, इस विंडो को बड़ा करना हो तो फिर दोबारा इसी पर क्लिक करिएगा, तो फिर विंडो आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बगल में दिया है माइनस सिंबल, यानी उसको बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने से आपका विंडो बंद नहीं होगा बल्कि टास्क बार में ऐड हो जाएगा। तो मिनिमाइज इसको करते हैं, और फिर यहाँ पर देखते हैं टास्क बार में आपका यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है, यहाँ पर सेटिंग दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ऐड हो गया है सेटिंग। जी दोस्तों, तो हम लोग क्या किए, मिनिमाइज कर दिए हैं, तो जो बैकग्राउंड में सेट किए थे पिक्चर वहाँ वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अगर आपको फिर से पिक्चर चेंज करना हो तो फिर से राइट क्लिक करेंगे और दोबारा पर्सनलाइज के अंदर आएंगे, और कोई और पिक्चर लगाना तो उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर विंडो को यहाँ पर सिंपली बंद कर दीजिए, उसके बाद आपके बैकग्राउंड में डायरेक्टली पिक्चर चेंज हो जाएंगे। तो इतना आसान है पिक्चर को चेंज करना। और मान लीजिए कि आपको जो सामने में पिक्चर दिख रहा है पर्सनलाइज के अंदर,
वो पिक्चर नहीं लगाना है, अपने फाइल के अंदर से कोई पिक्चर लगाना है, तो उसके लिए आप पिक्चर के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है ब्राउज़ का ऑप्शन, यहाँ पर ब्राउज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्राउज़ पे क्लिक करते ही अपने फाइल के अंदर से आप कोई भी पिक्चर ला सकते हैं, अपने फाइल के अंदर से कोई भी पिक्चर ला सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके फाइल के अंदर पिक्चर कहाँ पर रखा हुआ है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर सर्च पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, जब आप ब्राउज पे क्लिक करते हैं और ये विंडो सामने आते हैं और यहाँ पर सर्च पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे star.jpg, jpg का पूरा नाम होता है jpeg और उसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, तो jpg फोटो को लाने के लिए एक एक्सटेंशन नेम होता है, तो jpg लिखने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, लाइब्रेरीज, दिस पीसी और कस्टम। दिस पीसी पर क्लिक करते ही आपके सामने फोटो के फाइल ओपन हो जाएंगे, जो फोटो आपको बायोड में लगाना हो उस पर क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ चूज पिक्चर, चूज पिक्चर पर क्लिक करते ही आपके बायोड में वो फोटो सेट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ चूज पिक्चर उस पर क्लिक कर दीजिए, या नहीं तो आप जिस फोटो को बायोड में लगाना चाहते हैं उस फोटो के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिएगा फास्ट में, तो वो फोटो आपके बायोड में लग गया, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, आपके बायोड में वो फोटो लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये था सिंगल पिक्चर बैकग्राउंड में सेट करना। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंगल कोई एक कलर बैकग्राउंड के अंदर सेट कैसे करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, दोबारा पर्सनलाइज के अंदर आते हैं और यहाँ पर पिक्चर नहीं, यहाँ पर ले लेंगे सॉलिड कलर और नीचे बहुत सारे कलर आ जाएंगे, यहाँ से जो मर्जी आप कलर को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, आपके बैकग्राउंड में कलर चेंज हो गया। जी बस सिंपल। तो अब हम लोग बैकग्राउंड के अंदर स्लाइड शो लगाने जा रहे हैं। स्लाइड शो लगाने के लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे, उसके बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर स्लाइड शो दिख रहा है, स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे और कितने मिनट बाद बैकग्राउंड में पिक्चर अपने आप चेंज होना चाहिए उसके लिए यहाँ पर चेंज पिक्चर एवरी दिया हुआ है, इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग 1 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपको टाइम सही लगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से 1 मिनट ले लेते हैं, अगर आपको लेना हो 1 डे तो 1 डे लेने के बाद क्या होगा, प्रत्येक दिन एक नया पिक्चर बैकग्राउंड में चेंज होता रहेगा। अब बैकग्राउंड में प्रत्येक दिन या फिर 1 मिनट में कौन कौन सा पिक्चर चेंज होगा, उस पिक्चर को चूज करने के लिए हमें जाना होगा दिस पीसी के अंदर। तो 1 मिनट टाइम फिक्स कर दिए, उसके बाद इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, विंडो को क्लोज कर दिए, अब चलते हैं हम लोग दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी होता क्या है, जैसे मोबाइल में होता है फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर के अंदर मोबाइल में कितने स्टोरेज हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, कितने फोल्डर हैं, कहाँ पर कौन सा ऑडियो वीडियो रखा हुआ है, वो सभी दिखाने का काम करता है। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर कहाँ पर इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, कितने स्पेस हैं, कितने खाली, कितने भरे हुए हैं, वो सभी दिखाने का काम दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर करता है। अगर आपके पास कंप्यूटर का ओल्ड वर्जन होगा तो उसमें माई कंप्यूटर लिखा हुआ मिलता है, और नया वर्जन विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8 होगा तो उसके अंदर आपको दिस पीसी मिलता है। दिस पीसी को हम लोग कई नाम से जानते हैं, दिस पीसी बोलिए या फिर फाइल एक्सप्लोरर बोलिए या फिर माई कंप्यूटर बोलिए, है ना, जो बोलना उसको बोल सकते हैं। तो दिस पीसी को ओपन कैसे करेंगे, दिस पीसी को ओपन करने का जो बेस्ट तरीका है वो आपको बताने जा रहे हैं। पहला तरीका है कि स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद दिस पीसी को सर्च कर लेंगे, सामने आपको दिस पीसी दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते ही आपका दिस पीसी ओपन हो जाएगा। जी दूसरा तरीका जो सबसे आसान है और हर कोई उस तरीका को यूज करना चाहता है, तो इसको क्लोज करते हैं और हम लोग जो आसान तरीका है उसको देख लेते हैं। सबसे आसान जो है वो है कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट की, कीबोर्ड से हम लोग विंडोज़ बटन के साथ, जी दोस्तों विंडोज़ बटन जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको इमेज में दिखा रहे हैं, विंडोज़ के साथ Windows+E, विंडोज़ के साथ ई दबाएंगे, E4 Explorer, ई दबाते ही आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, हम लोग दिस पीसी में आएंगे, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च बॉक्स में आएंगे, सर्च बॉक्स में, जी दोस्तों यहाँ पर सर्च में आएंगे, इसमें क्लिक करते ही, क्लिक करने के बाद star.jpg लिख करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके सिस्टम में इतने सारे इमेज होंगे, सभी आपके सामने दिखा देंगे, और जिस जिस इमेज को आप चाहते हैं कि सेलेक्ट शो के अंदर सेट करें, उस इमेज को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते जाएं, या कंट्रोल के साथ हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या किए, पहला इमेज पर क्लिक कर दिए, उसके बाद कंट्रोल दबाए, इस पर क्लिक कर दिए, कंट्रोल क्लिक करके रखे हुए हैं, इस पर कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करते जाइए, कंट्रोल के साथ माउस का क्लिक करते रहना है, और नीचे अगर स्क्रॉल करना हो तो कंट्रोल को छोड़ करके कंट्रोल बटन छोड़ दीजिए, फिर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए माउस से,
अब फिर कंट्रोल दबाइए, फिर माउस से क्लिक कर करके जो मर्जी पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट किए हुए पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देना है। जिसको यहाँ पर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिए, आपके सेलेक्ट वाले बैकग्राउंड में पिक्चर लग चुका है। तो अब हम लोग इस विंडो को क्लोज करते हैं और देख लेते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में पिक्चर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो कुछ देर वेट करिएगा, 10 सेकंड 15 सेकंड, अपने आप ऑटोमेटिक पिक्चर जो है बैकग्राउंड में स्लाइड शो के अंदर चलना स्टार्ट हो जाएगा। जितना समय लिए होंगे उस समय के अनुसार जो है अपने आप बैकग्राउंड के अंदर स्लाइड शो चलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको ये देखना हो कि हम जो एक मिनट समय लिए हैं तो अगला मिनट कौन सा पिक्चर आने वाला है, तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ से नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दीजिएगा। राइट क्लिक और यहाँ पर नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगला जो पिक्चर आने वाला था वो कौन आएगा। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपना 100% दिया हूँ। आप भी अपना 100% वाला प्यार ज़रूर दिखा के जाइएगा। थैंक यू सो मच।